वो बंद कर दो, बाहर के बाहर ही बैठने दो। तो कल टेस्ट है तुम्हारा यूडी का, यूडी के 25 आएंगे, सेंटर ऑफ मास के 25, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन दोनों मिला के, सेंटर ऑफ मास कोलिजन 25 और यूनिट्स एंड डायमेंशन के 25 आ जाएंगे। ठीक है, देखो आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशन के 23 एमसीक्यूज करेंगे। ओके, पूरा पीवाईक्यूज। पहले लेक्चर में हमने 3 किए थे, दूसरे में 7, तीसरे में 10, चौथे में 7, तो ऐसे 27 हो गए। अब 23 करके 50 एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, ये 50 एमसीक्यू ढंग से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 40 मिनट में 23 एमसीक्यू खत्म करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनो। ओके, चलो देखो पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है। इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन टू बी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ऐसे सवाल सॉल्व करते वक्त क्या करो, सबसे बड़ी क्वांटिटी ढूंढो जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन किसमें, एनर्जी में। किसमें है, एनर्जी में। एनर्जी मतलब वर्क, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी क्या हो गई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आ गया। अब हमें क्या लाना है, एक्सेलरेशन और टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं है। तो अब एक्सेलरेशन कैसे लाएंगे, देखो एक्सेलरेशन अगर लाना है तो मैं क्या करूंगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां मैं टाइम के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, टाइम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मेरा फायदा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन गया एक्सेलरेशन, हो गया मेरा काम। तो एनर्जी क्या बन गई, एनर्जी बन गई फोर्स का पहला पावर, एक्सेलरेशन का पहला पावर, टाइम का दूसरा पावर। तो ट्रायल एंड एरर से ही आएगा ये। ठीक है, तो F1A1T2 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, याद है मैंने आपको बताया था, हीट करंट, हीट करंट मतलब हीट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू काट ले के ए डेल्टा टी बाय एल। ओके, बहुत फेमस है ये, जो नीट का पेपर बनाता है उनके लिए। तो के हमें यूनिट चाहिए, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जूल, टाइम का सेकंड, के का पता करना है, एरिया का मीटर स्क्वायर। बेटा ये जो डेल्टा टी है ना, ये टेम्परेचर होता है, क्या होता है, टेम्परेचर, और ये टी क्या होता है, टाइम, एच क्या होता है, हीट, एच होता है हीट, ए क्या होता है, एरिया, ए क्या होता है, एरिया, और एल क्या होती है, लेंथ, और ये जो के है ना बेटा, इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है ना, तो मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, लेंथ का यूनिट मीटर, तो जूल पर सेकंड को क्या बोलेंगे, वैट, जूल पर सेकंड इज वैट, तो मीटर मीटर कैंसल, तो ये दोनों इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, वैट, ये के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, ये मीटर और ये के क्या है, केल्विन, ये के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट है, इसको इधर भेज देंगे तो के क्या हो जाएगा, के विल बी, यूनिट ऑफ के विल बी वैट पर मीटर पर केल्विन, वैट पर मीटर पर केल्विन, कहाँ गया, वैट पर मीटर पर केल्विन, बी केयरफुल, 2019 का सवाल है, वैट पर मीटर पर केल्विन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, एनर्जी वेलोसिटी टाइम आर चूजन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो बेटा सिंपल सी चीज है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ, मानते हो कि नहीं, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ। हमें क्या करना है, सरफेस टेंशन में एनर्जी वेलोसिटी और टाइम लाना है। तो एनर्जी मतलब वर्क, एनर्जी मतलब वर्क, तो मुझे फोर्स दिख रहा है यहां, तो फोर्स से मैं वर्क ला लूंगा, कैसे, लेंथ से मल्टीप्लाई किया, लेंथ से डिवाइड किया, फोर्स इंटू लेंथ क्या आ गया, वर्क, मतलब एक काम तो अपना हो गया भाई कि वर्क आ गया, नीचे आ गया लेंथ स्क्वायर, तो एनर्जी आ गई इसके अंदर, वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी बाय लेंथ स्क्वायर। अब क्या लाना है, वेलोसिटी और टाइम। बेटा यहां डिस्टेंस दिख रहा है, डिस्टेंस को मुझे हटाना है, तो वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो मैं टाइम स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, टाइम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं। इससे फायदा यह होगा कि डिस्टेंस का स्क्वायर बाय टाइम का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम होल स्क्वायर, डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी,
तो इसके जगह मैं रख सकता हूं वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब सीन क्या हो गया, सरफेस टेंशन टी, सरफेस टेंशन की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो टी क्या हो गया भाई, टी हो गया सर ऊपर एनर्जी आ गया, नीचे वी स्क्वायर आ गया और टी स्क्वायर आ गया, मतलब फाइनली जो सीन क्रिएट होगा E1 V-2 T-2 2015 का सवाल है, मेरे को ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, E1 V-2 T-2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन ऑफ मास, किसको सेलेक्ट करेंगे, फोर्स को, बिकॉज फोर्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स रखना है हमें, मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन। ऐसे क्यों किया, बिकॉज मास को रिप्रेजेंट करना है किसमें, फोर्स वेलोसिटी और टाइम में, फोर्स वेलोसिटी और टाइम में, फोर्स आ गया, अब एक्सेलरेशन चाहिए क्या, नहीं, तो जो भी कलाकारी करेंगे किसमें करेंगे, एक्सेलरेशन में करेंगे, तो फोर्स को फोर्स रख देता हूं मैं, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, डायमेंशन में चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी का एक ही मतलब होता है, तो बेटा इस तरह से वेलोसिटी भी आ गई। तो अब कहानी क्या हुई कि भाई देखो, मास इज इक्वल टू ऊपर फोर्स, नीचे वेलोसिटी, उसके नीचे टाइम, क्या क्या लाना था, यस आ गया अपना काम, फोर्स वेलोसिटी और टाइम, ये टाइम ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, F1 T1 V-1 प्लस वन ऊपर जाके माइनस वन, तो F1 T1 V-1 F1 कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन ना, F1 V-1 T1 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है, ये देखो इसके डायमेंशन पूछा है। अब एक तरीका ये है भाई, देखो हाफ के तो कोई डायमेंशन नहीं होते, तो आप क्या करो, हाफ के कोई डायमेंशन नहीं, इप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन निकालो, ई के डायमेंशन निकालो, उसका स्क्वायर करो, इसके और इसके डायमेंशन को मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर आएगा। लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसीजर है, ओके, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में जब आप यूडी पढ़ रहे हो तो ये प्रोसीजर से करो। इप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कहां से निकालोगे, सर एफ इज इक्वल टू 1/4πε0Q1Q2/d2, सही है। और बेटा ई की डायमेंशन कहां से निकालोगे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स बाय चार्ज, सही है। ऐसे दोनों के डायमेंशन सॉल्व करो, उसकी वैल्यूज रखो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। ये हो गई आम जिंदगी, बात समझ आ रहा है, लेकिन मेंटोर जिंदगी क्या रहती है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपको एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बड़ा सा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्लास 12 में, वो पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो फॉर्मूला लिखा है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा इसको ना बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो किसके डायमेंशंस पता करना आसान है, इसके, क्या इसके, इसके, और दोनों के डायमेंशन कैसे सेम है, तो मैं इसके डायमेंशन मेरे को चाहिए, लेकिन मैं पता किसके करूंगा, एनर्जी डेंसिटी के, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। तो एनर्जी के डायमेंशन तो सबको पता है, m1 L2 T-2, बेटा ये वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L3, सही है। तो यहां क्या हो जाएगा, फिर ये दो और इसमें के दो कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा, प्लस वन ऊपर जाके माइनस वन, तो क्या हो जाएगा M1 L-1 T-2 2010 का सवाल, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, क्या बोलते हैं इसको, ओहम्स लॉ, क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर, सही है, V बाय आर। क्लास 9th में पढ़ा है आपने, वोल्टेज क्या होता है, वर्क बाय चार्ज, वोल्टेज क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। अच्छा इसका कंसेप्ट ना मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल में बताऊंगा, अभी तो हमें फॉर्मूले और यूनिट से खेलना है। तो भाई पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज, तो ये वैल्यू यहां रखो। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा वी के जगह रखेंगे W/Q/I, फटाफट बोलो, W मतलब, क्यू मतलब, आई मतलब करंट, आई मतलब करंट, तो क्या हो जाएगा फिर, R इज इक्वल टू W/Q/I। और एक फॉर्मूला है क्लास 9th में, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू IT।
आर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू के जगह आई टी इन टू आई। ओके, तो आर इज इक्वल टू बोलो डब्ल्यू बाय आई स्क्वायर टी। वर्क के डायमेंशन बोलो एम वन एल टू टी माइनस टू। आई मतलब करंट के लिए आई है, मतलब आई टू दी पावर टू, और टी मतलब टी टू दी पावर वन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे एम वन एल टू प्लस वन, ऊपर जाके माइनस वन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, टी टू दी पावर माइनस थ्री, प्लस टू ऊपर जाके माइनस टू, आई टू दी पावर माइनस टू। देखो कहाँ कॉपी हो रहा है, वन टू माइनस थ्री माइनस टू, सही है क्या, वन टू माइनस थ्री माइनस टू, ऑप्शन नंबर सी 2007 का सवाल। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्टमैन्स कांस्टेंट। थर्मल सेक्शन में आपको एक लॉ सीखना है, स्टीफन बोल्टमैन्स लॉ। जो बॉडी जितना ज्यादा टेम्परेचर की होगी उतना ज्यादा हीट बाहर इमिट करेगी। हीट बाहर इमिट करने को बोलते हैं इमिसिव पावर। क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर होता है अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसी को ही इंटेंसिटी भी बोला गया है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर फोर। ये लॉ है, इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्टमैन्स लॉ। अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, समझना भी नहीं, बस रटना है। क्यू मतलब हीट, क्यू मतलब हीट, ए मतलब एरिया, ए मतलब एरिया, टी मतलब टाइम। इसकी लिस्ट करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, एक झटके में याद नहीं रहेगा, लिखते रहो पढ़ते रहो, बाद में डिटेल में समझ में आ जाएगा। और टी मतलब टेम्परेचर, टी मतलब टेम्परेचर। अब बेटा हमें पता है हर प्रोपोर्शनैलिटी को हम क्या करते हैं, इक्वल टू करते हैं, कैसे, कॉन्स्टेंट लेके। तो Q by A T is equal to sigma T raised to 4। बेटा ये जो sigma आया ना, ये जो बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, Stephen's Boltzmann's constant, उसका क्या बताना है, यूनिट। तो sigma बराबर क्या हो जाएगा, sigma is equal to Q by A T to the Q by A T, और ये T to the power 4 ले लो। फटाफट बताओ Q मतलब हीट, क्यों मतलब हीट, ए मतलब टी मतलब, और डी मतलब टेम्परेचर। तो क्यों मतलब हीट, हीट मतलब एनर्जी। बोलो एम वन एल टू टी टू दी पावर माइनस टू, ये क्या है एरिया, एल टू ये क्या है टाइम। अच्छा डायमेंशंस तो पता करने ही नहीं, हमें क्या पता करना है, यूनिट पता करना है। यूनिट बताओ, हीट का यूनिट जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन रेस टू फोर। देखो एक में ही केल्विन रेस टू फोर देख रहा है, टाइम बचाते चलो आगे आंसर, समझ आया, बाकी सब में केल्विन रेस टू फोर है क्या, नहीं। तो जूल पर सेकंड को क्या बोलेंगे, वॉट, तो क्या आ जाएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेस टू फोर। लेकिन टाइम बचा देना, जैसे ही आंसर पता चल गया टिक करो आगे बढ़ो। ठीक है चलो आगे बढ़ते, ये देखो क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑन द स्पीयर एक्टिंग ऑन, ठीक है कुछ है, हमें क्या करना है उसे, ये फॉर्मूला दिया है, इसको ना बेटा स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टोक्स थ्योरम। ये रटना है, ये फ्लूइड में पढ़ेंगे हम, स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं इसको, फ्लूइड में पढ़ने वाले हैं। क्या है, एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी। एफ मतलब फोर्स, सिक्स पाई एंगल, जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, तो हम डायमेंशन डायमेंशन खेल रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है। ये जो इटा है ना, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसी के डायमेंशंस पता करना है, आर रेडियस और वी वेलोसिटी, वी वेलोसिटी। तो बेटा इटा क्या हो जाएगा, एफ बाय आर वी। अच्छा एक बात बताओ, सिक्स पाई कहाँ गया, सर सिक्स पाई ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट है लेकिन डायमेंशंस नहीं है, तो डायमेंशन में इसका कोई रोल नहीं होगा। तो इटा के डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स के डायमेंशन बोलो एम वन एल वन टी माइनस टू। आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, L1, V मतलब velocity, velocity meter per second, L1 T minus 1, सही है? ये L1, L1 निपट गया, क्या बचा बेटा? M1, plus 1 ऊपर जाके minus 1, minus 1 ऊपर जाके plus 1, 1 minus 2, minus 1 T minus 1, M1, L minus 1, T minus 1, M1, L minus 1, T minus 1, 1997, तब पता नहीं आप पैदा भी होंगे इतने, ओके? यहाँ आ जाते, नेक्स्ट सवाल, देखो, ये ऐसा कुछ इक्वेशन दिख रहा है, बिल्कुल लोड ले रहा, समझ लो डायमेंशंस ऑफ ईटा पता करना है। एक बात बताओ, ईटा इज इक्वल टू, ये पी प्रेशर दिया होगा, देखो दिया है प्रेशर, तो पी क्या है, प्रेशर। अच्छा यहां पे ना बेटा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, डायमेंशन के हिसाब से मास माइनस मास क्या आता, मास,
लेंथ माइनस लेंथ लेंथ, लेंथ स्क्वायर माइनस लेंथ स्क्वायर लेंथ स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं लेंथ स्क्वायर लिख लेता, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको लेंथ स्क्वायर लिख देता, बिकॉज वो लेंथ है, डिवाइडेड बाय 4 का कोई रोल है क्या? नहीं, कांस्टेंट का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है नेचुरल नंबर का। ये v क्या है? वेलोसिटी, देख लेना एक बार क्या है, v क्या है? वेलोसिटी, और l क्या है? लेंथ, v वेलोसिटी और l लेंथ, तो बेटा v बचा और नीचे एक लेंथ बच गया, समझ में आ गया? प्रेशर कॉपी कर लिया, डिस्टेंस स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर इज डिस्टेंस स्क्वायर, डायमेंशन देख रहे हैं ना हम, डिवाइडेड बाय लेंथ और वेलोसिटी, तो एक एक लेंथ कैंसिल। बोलो प्रेशर के डायमेंशन, सर प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, वेलोसिटी ऊपर क्या बचा? लेंथ, ऊपर क्या बचा? लेंथ। अच्छा इसके डायमेंशन आते हैं अपने को, फोर्स इनटू लेंथ मतलब वर्क, वर्क के डायमेंशन बोलो एम वन एल टू टी माइनस टू, नीचे एरिया एल टू, ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, एल वन टी माइनस वन, तो ये और ये कैंसल, तो बेटा देखो एम वन एल माइनस वन, माइनस वन ऊपर एक प्लस वन, वन माइनस टू माइनस वन, टी माइनस वन, जरा गौर करना बेटा, किसी भी मेथड से पता करो वही आते, यहाँ पे भी हमने ईटा के डायमेंशन पता करे, एम वन माइनस वन माइनस वन, वन माइनस वन माइनस वन, यहाँ देखो वन माइनस वन माइनस वन, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन मतलब उसकी आइडेंटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, किसी भी मेथड से पता करो फोर्स के डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू ही आएंगे, समझ में आ गया? तो दोनों अलग अलग तरीकों से हमने पता कर लिया। अब किसी बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उसको डायमेंशंस याद रहेंगे, तो सवाल देखते हुए आंसर लिखेगा। मान लो आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन याद है, काय को सॉल्व करेंगे तुम, डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो टाइम बच जाएगा, समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिस बढ़ाओ। अब यहां देखो फिर से तीन बार सवाल आ चुका है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के अलग अलग फॉर्मूले से तीन बार सवाल, अब अपने को याद है वन माइनस वन माइनस वन, कहाँ है भाई? देखो डी खत्म, समझ आ रहा है? तो जो 180 में से 180 लाते ना उनकी ये स्पेशलिटी रहती, सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या बोल रहा है? एफ इज इक्वल्स टू ईटा एरिया वेलोसिटी डिस्टेंस, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, फ्लूइड में पढ़ेंगे हम ये, ठीक है? तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो गया? सर ईटा हो गया फोर्स बाय एरिया इनटू वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, समझे कि नहीं? ये दोनों को उठा के मैं इधर ले गया, चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायमेंशन के हिसाब से एक ही मतलब होता है, चेंज इन डिस्टेंस डिस्टेंस का एक ही मतलब होता है। फटाफट बको फोर्स के डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू, ये ए क्या है? एरिया एल टू, ये क्या है? वेलोसिटी एल वन टी माइनस वन, बहुत बढ़िया। ये जेड क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एल वन, देखो सबसे पहले तो ये एल वन कैंसल, फिर ये L1 कैंसल, तो बचा क्या? M1 बचा ऊपर, यहाँ वन बचा, प्लस वन ऊपर जाके माइनस वन, माइनस वन माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन, वन माइनस टू माइनस, मतलब तीन बार सवाल आया अलग अलग तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन, एक बार ये फॉर्मूला, एक बार ये फॉर्मूला, एक बार ये फॉर्मूला, इसको स्टोक्स थ्योरम बोलते हैं, प्रॉपर थ्योरम है अपने सिलेबस में, ये फॉर्मूला अपने सिलेबस में है नहीं, जेई के सिलेबस में है, और ये भी थ्योरम है अपने इसमें, ओके okay, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते, ये जो है ना ये हम पढ़ने वाले हमारे सिलेबस में बोर्ड में भी है, न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी बोलते, समझ में आ गया? तो तीनों से हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन सॉरी डायमेंशन पता किए छप जाने चाहिए, वन माइनस वन माइनस वन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दिया गया है हमें, बोल रहा है बी का यूनिट बताओ, बी का यूनिट बताओ, इस इक्वेशन में कितने टर्म है? तीन, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो तीनों के डायमेंशन कैसे होंगे? सेम, हमें बी का यूनिट बताना है, तो जो यूनिट एक्स का होगा वही बी टी स्क्वायर का होगा, तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा? एक्स बाय टी स्क्वायर, यहां इन्होंने बोला है एक्स को किलोमीटर में गिनो, तो एक्स डिस्टेंस है जो किलोमीटर में गिना गया है, तो इसको किलोमीटर बोलेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम किसमें है? सेकंड, तो टाइम का स्क्वायर है ना, तो सेकंड का स्क्वायर, तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी आ गया इसका। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टर्स, याद है मैंने सिखाया था एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, कैपेसिटर की एनर्जी दी थी, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, सी इज कैपेसिटर, वी इज वोल्टेज, वी इज वोल्टेज, एल इज सेल्फ इंडक्टर्स, आई इज करंट। अच्छा डायमेंशन में ये हाफ का कुछ काम है क्या? नहीं, बेचारा लावर ही सही है,
ना यूनिट है ना डायमेंशन है, तो एल क्या हो जाएगा यू बाय आई स्क्वायर। बेटा यू मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन बोलो एम वन एल टू टी माइनस टू, आई मतलब करंट, करंट के डायमेंशन ए टू दी पावर टू प्लस टू ऊपर जाके माइनस टू, क्या हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। देखो एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ये लग रहा है बराबर है ना, एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, सही है। चलो बढ़िया आगे बढ़ते, देखो ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग थ्री। देखो पहला क्या है, पहला है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। दूसरा क्या है देखो, दूसरा बी फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। अब जरा ध्यान दो बेटा, एनर्जी को वर्क लिख सकता हूं मैं, वर्क बाय वॉल्यूम, वर्क को क्या लिख सकता हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम को एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ लेंथ कैंसिल। मतलब दिमाग में घुसा लो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये दोनों के डायमेंशन कैसे आएंगे सेम, ओके। अच्छा ये प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी समझ में आ जाएगा बाद में आपको कि चार्ज और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आता है, चार्ज और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आता है। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ये वोल्टेज है, चार्ज और वोल्टेज का मल्टीप्लीकेशन वर्क आता है। अरे बहुत आसान है, अभी अभी मैंने आपको वोल्टेज की डेफिनेशन बताई, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क क्या हो गया वोल्टेज इंटू चार्ज, तो वोल्टेज इंटू चार्ज की जगह मैं क्या रखूंगा वर्क, तो वर्क बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, फोर्स बाय एरिया, वर्क बाय वॉल्यूम, ये सारी एक ही चीजें हैं। तो तीनों के डायमेंशन कैसे रहेंगे सेम, अलग कौन पड़ जाएगा एंगुलर मोमेंट। अब आप बोलेंगे सर हम इस सब के सॉल्व करके देखेंगे, तो 15 मिनट लगेंगे सॉल्व करके देखने, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए कि ऐसे आड़ा टेढ़ा करने की, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अलग कौन पड़ गया एंगुलर मोमेंटम, अच्छा एंगुलर मोमेंटम जानते हो आप, एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम वी आर, एम मतलब वी आर खत्म, तो ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया लीस्ट काउंट का सवाल। अगर आपको याद है वर्नियर कैलिपर में, किसमें वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एम एस डी माइनस वी एस डी होता है, एम एस डी मतलब मेन स्केल डिवीजन, वी एस डी मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। जरा ध्यान से सुनो, कैलिपर इन सेंटीमीटर चाहिए, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इन सेंटीमीटर चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम एम एस डी का है ही नहीं, पहले भी बताया था मैंने, प्रॉब्लम एम एस डी का नहीं है, प्रॉब्लम किसका है वी एस डी का। तो वी एस डी का प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे, देखो द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर, तो एम एस डी, देखो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मीटर स्केल होता है उसमें एक डिवीजन, एक डिवीजन कितने का होता है 10 मिलीमीटर का, एक डिवीजन कितना होता है 10 मिलीमीटर का, तो फिर उसका जो एम एस डी होता है मेन स्केल डिवीजन कितना आता है 1/10, कितना आता है 1/10 mm, या फिर 1/10, एक मिनट, एक डिवीजन जो होता है या फिर एक यूनिट जो होता है, एक मिनट सुनो यहां आ जाते हैं, ये ठीक है, ये होती है अपनी स्केल, सही है। तो यहां से यहां तक ये 0 mark, ये 1 mark, दोनों के बीच में क्या होता है 5 mark, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये क्या बनता है 1 centimeter, सही है 1 centimeter। तो इतने डिस्टेंस को क्या बोलते हो, एक मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन। तो 1 centimeter के अंदर कितने रीडिंग है 10, तो आप क्या बोलते हो सर 1 msd इज इक्वल टू 1/10 centimeter, ये छोटा सा डिस्टेंस कितना हुआ 1/10। अब इन्होंने क्या किया बेटा, n डिवीजन कर दिए, एक के बजाय कितने किए n, देखो 1 centimeter में कितने डिवीजन है 10, मान लो 1 centimeter में 20 डिवीजन होते तो 1/20 होता, 1 centimeter में 30 होते तो 1/30 होता, ये क्या बोल रहा है 1 centimeter में n डिवीजन है, कितने 1/n, कितना हो जाएगा 1/n, तो यहां का 1 msd कितना होगा 1/n centimeter, 1/n centimeter। अच्छा आगे देखो, अब n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल,
एन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये तो फॉर्मूला हुआ लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट मतलब कम से कम हम कितना गिन सकते हैं। एन वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ एन माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। मैंने आपको बहुत सिस्टमैटिक पढ़ाया है, प्रॉब्लम किसका है, वीएसडी का। तो वीएसडी को रिप्लेस करो, ये एन को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, वीएसडी इज इक्वल टू एन माइनस वन बाय एन एमएसडी। बेटा ये वैल्यू यहां चिपका दो, क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट, हाँ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एमएसडी माइनस एन माइनस वन बाय एन एमएसडी। सही है, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, एमएसडी, एमएसडी कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस एन माइनस वन बाय एन, यहां कुछ नहीं मतलब वन, तो एमएसडी, एमएसडी की वैल्यू बोलो, वन बाय एन, एमएसडी की वैल्यू कितनी है, वन बाय एन, वन बाय एन सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो, एन माइनस वन बाय एन, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस कैंसल, वन बाय एन इंटू वन बाय एन, वन बाय एन स्क्वायर, वन बाय एन स्क्वायर सेंटीमीटर, वन बाय एन स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन नंबर डी, समझ में आ रहा है। तो समझने की चीज क्या है, एक डिवीजन में कितने रीडिंग है, एक सेंटीमीटर में कितने रहते हैं, दस, तो लिस्ट काउंट, या फिर एक मेन स्केल डिवीजन कितना बन जाता, वन बाय टेन, मान लो बीस होते तो वन बाय बीस। यहां पे क्या बोल रहा है, एन डिवीजन है, तो एमएसडी कितना आया, वन बाय एन, मान लो एम डिवीजन होते तो वन बाय एम कितना होता, वन बाय। आगे बढ़ते हैं, हाँ इसमें करेक्शन है, यहां ये सेंटीमीटर में पता कर रहे हैं। देखो लीस्ट काउंट किससे आएगा, लीस्ट काउंट इज एमएसडी माइनस वीएसडी, एमएसडी बोले तो मेन स्केल डिवीजन, वीएसडी वर्नियर स्केल डिवीजन। प्रॉब्लम किसका है, वीएसडी का, वीएसडी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब एन वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद, इक्वल है किसके, एन माइनस डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल। ओके, तो अब लेंथ ऑफ वन डिवीजन इन एमएम, मतलब एमएसडी जो है, एमएसडी जो है वो वन एमएम है, लेकिन हमें आंसर किस में पता करना है, सेंटीमीटर में। तो बेटा एक एमएम मतलब कितने सेंटीमीटर, वन बाय टेन, ना सॉरी, एक एमएम मतलब यस वन बाय टेन सेंटीमीटर, वन एमएम इज वन बाय टेन सेंटीमीटर, 1 mm is 1 by 10 सेंटीमीटर। अच्छा तो अब हमें क्या पता करना है, लीस्ट काउंट, कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले प्रॉब्लम किसका है, MSD का कि VSD का, VSD का, तो VSD को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, VSD is equal to n minus 1 by n into MSD। तो ये जो वैल्यू आई ये यहां चिपकाएंगे, बोलो क्या होगा, कम ऑन, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस n माइनस वन बाय एन MSD। सही है, तो कॉमन क्या निकलेगा, MSD, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस एन माइनस वन बाय एन, यहां कुछ नहीं मतलब वन, MSD की वैल्यू वन बाय टेन सेंटीमीटर, ये n माइनस वन बाय एन। सही है, तो माइनस से ब्रैकेट खोलो, माइनस प्लस, प्लस n माइनस n कैंसल, वन बाय एन और ये दस, तो 1 by 10 n सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर विल बी 1 by 10 n सेंटीमीटर, कहां गया, 1 by 10 n सेंटीमीटर। समझ में आ गया, तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, MSD माइनस VSD। प्रॉब्लम किसका, VSD का, तो आपको पहले MSD कितना आ रहा है देखना पड़ेगा, जो यहां मैंने किया, जो यहां मैंने किया, MSD अलग से निकाल लिया एंड फॉर्मूला फॉलो किया, MSD माइनस VSD। प्रॉब्लम किसका है, VSD का, एक लाइन लिखी होगी उसको मैथमेटिकली लिखना है और VSD को रिप्लेस करना है, इधर हमने MSD पता कर ले, अपना काम हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, ये देखो, द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज आर, मतलब कुछ कंट्रोल हो रहा है क्या, नहीं, तो ऐसे एरर को क्या बोलते हैं, रैंडम एरर, मतलब कंट्रोल ही नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है, इस एरर को क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। टेकिंग इन टू अकाउंट, देखो देखो ध्यान से सुनो, एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन में खेल किसका होता है, डेसिमल प्लेस का, डेसिमल प्लेस का क्या खेल होता है,
जो दो नंबर तुम सब्सट्रैक्ट कर रहे उसका जो आंसर आ रहा उस आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस चाहिए जितने दोनों मेंबर के कम में है। मतलब बहुत आसान है, सुनो, इसको और इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या देखना है, डेसिमल प्लेस, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना है। इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, दो। अरे क्या बात है, कितने हैं, दो। इसमें चार, इसमें चार। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके एक रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में कितने डेसिमल प्लेस होंगे, दो। दो कम है ना, तो रिजल्ट में कितने डेसिमल प्लेस होंगे, दो। इसमें कितने हैं, दो, दो है ना बे। इसमें कितने हैं, एक, तीन, चार। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, नहीं। कौन सा आंसर है, ए। समझ गया, नीट का सवाल है 2020 का, हल्के में मत लो। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या देखना है, डेसिमल प्लेस। मतलब ट्रिक पकड़ ली कैसे सॉल्व करना है, कहानी खत्म। तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन में जिसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो उन दोनों में जिसके कम डेसिमल प्लेस है आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस रखना। समझ में आ गया, ओके आगे बढ़ते हैं। ये देखो परसेंटेज एरर, अरे ये तो सबसे आसान कहानी होती है, पावर सामने लो सॉल्व करते जाओ। समझ में आ रहा है, तो हमें एक्स के परसेंटेज एरर निकालना है। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, बोलो ए में कितना है, 1%, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ये फॉर्मूला देखो एंड बोलो, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू, पावर सामने, एरर कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता, पावर सामने 2, ए का कितना है 1/2, बी कितना है 2 प्लस 1/3, सी का कितना है 3 प्लस पावर सामने 3, 4। कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं करना, निगेटिव पावर होगा तब भी ऐड ही करना है। मतलब यहां पे अगर पावर -1/2 होता तब भी एरर कभी माइनस नहीं होता। तो ये 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, कितना आया 2+1+1+12, 12, 13, 14, 15, 16, तो कितना आएगा 16%। सही आ रहे ना अपन, 16% विल बी द आंसर। ये देखो हो गया, यही टाइप किया, पी क्यू चाहिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बोलो ए का कितना है 1, बी का 2, 3, 4, ओके। तो इसका पता करना है पी का, बोलो रे परसेंटेज एरर इन पी, पावर सामने ए का, ए का कितना है 1 प्लस पावर सामने बी का कितना है 2 प्लस पावर सामने सी का कितना है 3 प्लस पावर सामने डी का कितना है 4। इसका पावर कुछ नहीं, मतलब कितना होता है 1 होता है, तो क्या हो गया 3+4+3+4, 4 और 4 8, 3 और 3 6, 8 और 6, वेरी गुड, 14% विल बी द आंसर। ठीक है, देखो और एक बार सवाल है, ये काफी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल है बेटा, नीट 2010 का सवाल है ये, जब माना जाता था कि नीट का पेपर काफी डिफिकल्ट होता है, जेई लेवल के सवाल होते, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनो। अ स्टूडेंट मेजर डिस्टेंस ट्रैवर्स इन फ्री फॉल ऑफ द बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम, ही यूजेस द डेटा टू एस्टिमेट जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस गिनने में परसेंटेज एरर कितना है E1, और टाइम, टाइम में एरर कितना है E2, तो हमें एस्टिमेट करना है जी में कितना एरर आया, जी में कितना एरर आया। तो कोई बॉडी को अगर मैं रिलीज करूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सर S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो S मतलब H इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक बात बताओ, इसका कुछ रोल है क्या एरर में, तो G क्या हो जाएगा, G विल बी H बाय टी स्क्वायर, और हो गया अपना काम, परसेंटेज एरर इन G इज इक्वल टू इसका पावर 1 इसका पावर 2, 1 × परसेंटेज एरर इन H + 2 × परसेंटेज एरर इन T, और समझे कि नहीं, जैसे इसमें कर रहे थे पावर सामने एरर का परसेंटेज, और हमेशा एड, कभी माइनस नहीं होगा। तो अब H का परसेंटेज कितना है E1, T का परसेंटेज कितना है E2, तो H का परसेंटेज E1 + 2 E2, तो E1 + 2 E2, सिंपल है, तो डरना नहीं कभी सवाल से, ओके चलो आगे बढ़ते। ये देखो क्या बोल रहा है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस में कितना परसेंट का एरर है 2% का, देन एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम, क्या है ये मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना है था, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कोई रोल है क्या,
हटा उसको, तो परसेंटेज एरर इन वी इज इक्वल टू पावर सामने परसेंटेज एरर इन आर, सही है कि नहीं, पावर सामने, तो 3 × 2 = 6%, 6%। अच्छे अच्छे बच्चे 8 करके आते हैं, हल्के में मत लो इसको, वो आर क्यूब 2 का क्यूब 8, नहीं 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 नहीं, पावर सामने आके मल्टीप्लाई होता है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते, 59 ये तो कर लिया ना हमने, ठीक है चलो। क्या ये द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड, अच्छा देखो डेंसिटी ऑफ क्यूब, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, क्यूब मतलब जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों भी कैसे होगा, सेम होगा, तो मास बाय लेंथ का क्यूब, ओके। तो क्या बोल रहा है, इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, मास में कितना परसेंट एरर है, 4, और पहले मास है बाद में लेंथ है, बी केयरफुल, और लेंथ में कितना है, 3, मास में 4% है और लेंथ में 3% है, हमें डेंसिटी का बताना है, बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं, बोलो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू 1 × मास का 4 प्लस 3 × लेंथ का 3, तो ये 4 × 1 = 4 प्लस 3 × 3 = 9, 9 + 3 = 13%, 13% कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चल आगे देखो, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास, मास एंड स्पीड, मास में 2% और स्पीड में 3%, हमें पूछा एरर इन द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, बोलो काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ का कुछ रोल है क्या, समझ में आ रहा है, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 × परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 × परसेंटेज एरर इन वी, तो 1 × परसेंटेज एरर इन मास 2 + 2 × 3, तो 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8%, 8% विल बी द आंसर ऑप्शन नंबर सी। पेपर काफी इजी होगा, बस टेक्निक पता होनी चाहिए, ठीक है, ये अपना हो गया वाला, समझ में आ गया। तो इस तरह से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ओके। तो इसको अच्छे से ढंग से रिवाइज कर लेना, ये 50 एमसीक्यू फिर से कर लेना, ओके। ऐप में अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चला तो अपने यूट्यूब चैनल पे भी है, 4 वीडियो काट के मैंने उस पे डाले वाले सिस्टमैटिक, तो उस पे फटाक से लेके रिवाइज कर लेना। ये 50 एमसीक्यू आपको सबमिट करना है मंडे को, या फिर कल सबमिट कर देना टेस्ट से पहले, मैं इधर ही अवेलेबल हूँ, बिकॉज बोर्ड का कल एक बड़ा लेक्चर लेना है, तो 50 के 50 एमसीक्यू एक पेजेस पे सॉल्व करके सबमिट कर देना, फिर से करना, मैंने किया है, मेरे को आता है, तुर्रम खान मत बनना, समझ में आ रहा है। तो 50 के 50 एमसीक्यू फिर से प्रॉपर सॉल्व कर लेना, इस पे बेस्ड, सेम एज इट इज नहीं आएंगे, इस पे बेस्ड 25 सवाल आएंगे, ये 50 एमसीक्यू पे बेस्ड, वो लिस्ट काउंट पे भी सवाल आएगा वर्नियर कैलिपर का। अब जो नेक्स्ट पीवाईक्यू का लेक्चर आएगा उसमें स्क्रू गॉज समझाऊंगा मैं, और आपको एरर बताने के अलग अलग थोड़े से हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक अपने पढ़ा चुके हैं हम पहले से, वो एमसीक्यू के फॉर्म में हम बार बार रिवाइज करेंगे। तो जो नए बच्चे हैं जिसको टेक्निक मालूम नहीं है, वो पॉइंट मालूम नहीं है, तब इवनिंग लेक्चर में जब डाउट सेशन रहता तब आके पूछ लेना, सर ये स्क्रू गॉज के प्रॉब्लम कैसे करते, वर्नियर प्रॉब्लम के, वर्नियर कैलिपर के कैसे करते, फॉर्मूले कैसे याद रखते, ये मेरे को फील्ड पता करना नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अभी अपना काइनेमेटिक्स भी शुरू हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में आप काइनेमेटिक्स के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो क्या समझ नहीं आ रहा, वो पॉइंट पकड़ो, सर मेरे को ना रिलेटिव वेलोसिटी समझ में नहीं आ रही, तो जो नहीं समझ में आ रहा वो लिखो और वो आके डाउट सेशन में पूछ लो, समझ में आ गया। तो ये 50 एमसीक्यू कल टेस्ट से पहले सबमिट करना है सबने, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। अब केमिस्ट्री के लेक्चर के बाद फिर काइनेमेटिक्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, ओके। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट।